आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सीबीएसई आपको पास करेगी या फेल करेगी और आज तक सीबीएसई ने कितने लोगों को पास करी है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिनको दिमाग में डर बैठा हुआ है कि क्या भैया हम पास भी हो रहे हैं या फिर फेल होने वाले। तो वीडियो एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब मारे, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, जैसे कि एग्जामिनेशन की जो रिजल्ट की डेट है वो बहुत जल्दी करीब आने लग गई है, तो आप लोग के दिलो दिमाग में वापस से खौफ वापस से पैदा होने लग गया, क्या भैया हम लोग पास भी हो पाएंगे कि नहीं, भैया मेरा तो पेपर बहुत ही बेकार गया था, भैया यार मेरा तो साथ ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, फलाना हो गया था, ढेमका हो गया था, नेहा के साथ मसला हो गया था, जो भी हो गया था भाई। इस चक्कर में तुम्हारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सीबीएसई तुम्हें लिटरली पास करेगा या नहीं। अब पहली चीज तो ये, अगर आप पढ़कर गए तो डेफिनेटली पास हो गया, आपको पास होने से फिर तो कोई नहीं रोक सकता, सीधी सिंपल बात। अगर आपने पढ़कर अच्छे से एग्जाम देकर आए हो, आप वैसे ही कॉन्फिडेंट हो, तो भाई पास वास नहीं, आप तो टॉप वॉप होने की सोचो। लेकिन काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यही सोच रहे हैं कि भैया एटलीस्ट हमें तो पासिंग मार्क्स ही मिल जाए, पर हमारी तो इतनी बुरी किस्मत नहीं है, हमारा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था। और काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो ये चीज सोच रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीएसई का किस तरीके का रुख रहा है काफी सालों से, कि कितने परसेंटेज बच्चे पास आउट होते हुए आए हर साल। तो मैं आप लोग को यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई क्लिक टाइप का वीडियो नहीं बताऊंगा, जेन्युइन आप लोगों को सोर्सेज के थ्रू बताते हुए चलूंगा कि किस तरीके से परसेंटेज रहा है सीबीएसई बोर्ड्स एग्जामिनेशन का पास आउट होने के लिए। सो इस चीज को बताने से पहले एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं। दोस्तों देखो, आई नो आप में से कुछ लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया, बट यार इतना तो अच्छा गया होगा ना कि एटलीस्ट पास तो हो जाओ यार, ऐसा थोड़ी ना होगा कि यार इतना भी बेकार गया होगा। लेकिन क्या है ना कि एकदम बाउंड्री वाली सिचुएशन में होंगे तो तुम्हें डर लग रहा होगा। अगर बाउंड्री वाली सिचुएशन में होंगे तो यार ग्रेस के चक्कर में तुम्हें लगभग 3 से 5 नंबर के अराउंड पे एक्स्ट्रा और मिलकर तुम लोग पास हो जाओगे, तो उस चीज के लिए टेंशन ना लो। तो ग्रेस कहीं ना कहीं तुमको यार एक पावरफुल टूल की तरह तुम्हारे लिए यूज होगा और कहीं ना कहीं तुम लोग पास हो जाओगे। लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं भैया मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, चलो आओ डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हम देख रहे हैं सीबीएसई का यहाँ पे 2017 में कि कितने बच्चे पास आउट हुए थे 100% में से। तो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे 82.02% बच्चे पास आउट हुए थे। तो मैं कह सकता हूँ कि यार 20% ही ऐसे कुछ रहे होंगे, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो पास नहीं हो पाए, बाकी मेजोरिटी में तो पास हुए। आप बोलोगे भैया फिर भी बड़ा रेशो है, चलो आगे बढ़ते। जैसे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे 2018 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 2018 में अगर तुम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आया था, 83.01% बच्चे पास आउट हुए थे। अब आप बोलोगे भैया इतना भी कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, लास्ट ईयर ना 82 थे, इस बार 83 हो गए। चलो भाई काम करते हैं, इसके बाद वाले साल को देखते हैं, 2019 को जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को ना बहुत बड़ा मेजर चेंज दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस बार 92.71% बच्चे सीबीएसई की तरफ से ओवरऑल पास आउट हुए थे। तो मैं कह सकता हूँ एकदम से बहुत बड़ा जंप आया है और डेफिनेटली सीबीएसई मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पास आउट कर रही है और छोटी मोटी गलतियों को माफ कर रही है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग देखे 2020 के बारे में, तो 2020 में आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे स्लाइडली थोड़ा सा रिजल्ट में ना यार थोड़ा सा डिफरेंसेस आया, 88.78% बच्चे पास आउट हुए। क्लियर दोस्तों? इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों किनकी, 2021 वालों की, तो 2021 में अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 94% बच्चे यहां पे पास आउट हुए। अब बात कर लेते हैं 2022 के रिजल्ट की, 2022 में तुम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो, 94.4% बच्चे यहां पे पास आउट हुए। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि यार ऐसा भी कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है कि 60% बच्चे पास हो रहे हैं, 40% फेल हो जा रहे हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हो मिनिमम 80% से लेकर 90-95 के अराउंड पे पास आउट हो रहे हैं, 5-10% का एक्सेप्शन मान सकते, चलो मोटे मोटे तौर पे 12 मान लेते हैं। क्लियर भाई? 12 से लेकर 5% तक है। मुझे नहीं लगता है कि आप सभी लोग उसके अंदर लाया करते हो। ये वो लोग होंगे जिनने कुछ भी जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे, लास्ट मोमेंट में भी आकर यार गधा गानी कुछ भी पढ़कर चले गए होंगे, लास्ट मोमेंट पे भी अपना टाइम बर्बाद करे होंगे, कुछ भी लिख कर आए होंगे, कोई रिलेवेंट टॉपिक नहीं होगा इसके रिगार्डिंग। और याद रखना ये लाखों बच्चों का परसेंटेज स्कोर है। तो मुझे लगता है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे पास आउट होने वाले हैं। आप लोग अगर जिस भी का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो ज्यादा टेंशन ना लो, बस थोड़ा सा यार अपने ऊपर भरोसा रखो। जो आप लोगों ने पढ़कर गए हो डेफिनेटली वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, बस आप लोगों को अपने ऊपर थोड़ा भरोसा तो रखना पड़ेगा। अगर भरोसा नहीं रखोगे तो फिर यार दिमाग में यही बैठ रहेगा कि नहीं यार हम तो भैया फेल ही हो जाएंगे।
अगर यही सोचना है तो फिर तो हो ही जाओ यार फेल, अब मैं क्या ही बोल दूँ। क्लियर है भाई? थोड़ा खुद पे भरोसा रखो, प्रे करना चालू करो, जिस भी गॉड को आप मानते हो भाई प्रे करो कि यार भाई हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, और आप सभी लोग के टेंशन ना लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बस अपनी अच्छी पढ़ाई करो और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। इसी के साथ साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में बहुत बढ़िया डील चल रही है, जहां पे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में सीबीएसई के सब्सक्रिप्शन में 33% तक के ऑफ चल रहा है, नीट के सब्सक्रिप्शन में आप लोग को 25% तक के ऑफ मिल रहा है, और अगर आप लोग सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीयूटी के सब्सक्रिप्शन में भी आप लोग को 25% तक के ऑफ मिल रहा है। इसके साथ आप लोग अपने घर बैठे जर्नी स्टार्ट कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इनविटेशन कोड मांगे तो मेरा नाम ZDK ZKI डाल देना, ये सभी के सब्सक्रिप्शन आप लोग को अनलॉक हो जाएंगे। और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि आप लोग को क्या लगता है कि क्या आप लोग पास होने वाले हो, और इस साल कितने परसेंटेज बच्चे पास होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, देखते हैं क्या आप लोग जो बताने वाले वो सच रहता है कि नहीं। तो चलिए एंड करते हैं आज इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।